हाँ अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। सो बेटा जो कल वाला था दैट वाज यूनिट नंबर सेकंड एंड टुडे वी विल मूव ऑन यूनिट नंबर थर्ड। और यूनिट नंबर थर्ड का जो पहला टॉपिक है दैट इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप। तो बेटा अगर हमारे पास एक ग्रुप है जी एन, इसका सब ग्रुप है ग्रुप जी का, व्हेन वी कैन से दिस एन इज नॉर्मल। अगर जी कोई ग्रुप है और एन इसका सब ग्रुप है, व्हाट आर द टर्म्स एंड कंडीशंस फॉर दिस नॉर्मल सब ग्रुप, एन इज सेड टू बी नॉर्मल सब ग्रुप। तो सिंपल यहाँ पर याद रखना, अगर जी कोई ग्रुप है एन इसका सब ग्रुप है, देन एन इज कॉल्ड ए नॉर्मल इफ फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन, जी बिलोंग्स टू जी, जी कोई एलिमेंट है ग्रुप का, एन कोई एलिमेंट है सब ग्रुप का, साइज दैट जी एम जी इनवर्स बिलोंग्स टू एन। अगर ये कंडीशन इसने सेटिस्फाई किया देन एन इज कॉल्ड ए नॉर्मल इन जी। बेटा ए सब ग्रुप n is said to be normal subgroup of g if for all n belongs to n, g belongs to g and g inverse belongs to n, or in other words we can say like this, agar g koi group hai aur n iska kya hai subgroup, then this n is said to be normal if for all g belongs to g, g koi element group ka, such that g and g inverse is subset of n। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी वी कैन से इट इज नॉर्मल इन g। या बेटा ये कंडीशन या ये कंडीशन, इन अदर वर्ड इस डेफिनेशन आप ऐसे कह सकते हो, अगर g कोई ग्रुप है और n कोई इसका सब ग्रुप है, किसका g का, देन n इज सेट टू बी नॉर्मल इन g, देन n इज सेट टू बी नॉर्मल इन g, कब, इफ फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, g बिलोंग्स टू g, एन जी इज इक्वल टू जी एन। इसके बारे में कुछ पता, एन जी इज इक्वल टू जी एन, या ऐसे एन जी इज इक्वल टू जी एन, जिसमें लेफ्ट कोशेट इज इक्वल टू राइट कोशेट। अगर बेटा लेफ्ट कोशेट इज इक्वल टू राइट कोशेट होगा देन एन इज नॉर्मल इन जी, देन एन इज नॉर्मल इन जी। तो बेटा याद रखना, अगर एक ग्रुप है हमारे पास, अगर हमारे पास एक ग्रुप एंड एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर, अगर कोई भी ग्रुप होता है ना प्राइम ऑर्डर का, दैट इज सिंपल, दैट इज सिंपल। तो याद रखना व्हाट इज मेंट बाय अ सिंपल ग्रुप, सिंपल ग्रुप मीन्स वो ग्रुप जिसका कोई प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप नहीं होगा, ए ग्रुप विच हैज ओनली इम्प्रॉपर सब ग्रुप। इम्प्रॉपर मीन्स व्हाट इज मेंट बाय इम्प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप, इम्प्रॉपर मीन्स सब ग्रुप विच कंटेन्स ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट एंड द ग्रुप इटसेल्फ। अगर कोई ग्रुप है जी जिसके दो सब ग्रुप है नॉर्मल, एक तो ग्रुप ऑफ आइडेंटिटी मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट, और क्या दूसरा ग्रुप इटसेल्फ, दीज आर कॉल्ड इम्प्रॉपर, दीज आर कॉल्ड इम्प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप। क्या कहते हैं इनको, इम्प्रॉपर नॉर्मल। और बेटा जो बाकी है ना उनको कहते हैं प्रॉपर। अगर एक ग्रुप है जिसमें कोई प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप नहीं है, मीन्स विच हैज ओनली आइडेंटिटी improper identity and the group itself, that is called a simple group। Yes, by language theorem ye pata padta hai ki every group of prime order is simple, because jo language theorem kehti hai na usse pata padta hai ki jo bhi group of prime order hai uske sirf improper sub group hai। Jab beta uske improper sub group, jab uska proper sub group nahi hai to uska proper normal sub group bhi nahi hoga। And aapne kya kaha, simple group ka matlab hai a group which contains only improper normal subgroup, which does not have any proper subgroup, such a group is called simple group। So beta this was all about normal subgroup and a simple subgroup, simple group। ye yaad rakhna, aapne kya kaha normal ke liye, agar g koi group hai n iska kya hai subgroup, hum n ko kahenge normal kab, agar left quotient equal to right quotient, ya aapne kaha अगर जी कोई ग्रुप है एन इसका नॉर्मल सब ग्रुप हो सकता है, कब, फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन जी, अगर ये कंडीशन है जी एन जी इनवर्स बिलोंग्स टू एन। या बेटा आपने कहा अगर जी कोई ग्रुप है एन इसका सब ग्रुप है, देन एन इज कॉल्ड नॉर्मल किसमें, इन जी, अगर जी एन जी इनवर्स कंटेन्स इन एन। इसके बाद आपने कहा अगर हमारे पास एक ग्रुप है, अगर हमारे पास एक ग्रुप है विच कंटेन्स ऑनली टू सब ग्रुप नॉर्मल सब ग्रुप, कौन कौन, आइडेंटिटी एंड द ग्रुप इटसेल्फ, such such normal sub group are called improper normal and such a group is called simple group। फिर आपने कहा every group of prime order is simple, और आपने प्रूव उसका दिया किसे, by Lagrange's theorem, because by Lagrange's theorem
a group of prime order has only two subgroups, the group itself and the identity. It does not contain any proper subgroup. Jab proper subgroup nahi hoga to iska proper normal subgroup bhi nahi hoga. Theek hai, this was all about this and this. इसके बाद जो थ्योरम नंबर फर्स्ट है आपका नॉर्मल सब ग्रुप के बारे में, तो थोड़ा उस पर देखना. तो बेटा वो जो थ्योरम है ना, थ्योरम स्टेट इज लाइक दिस. थ्योरम नंबर फर्स्ट, जो थ्योरम नंबर फर्स्ट है ना, दैट स्टेट इज लाइक दिस. इफ जी इज अ ग्रुप, अगर जी कोई ग्रुप है, वेरी गुड, एंड एन इज इट अ सब ग्रुप, एन इसका क्या है सब ग्रुप, देन एन इज नॉर्मल इन जी. जो एन है ना, ये नॉर्मल सब ग्रुप है किसका, जी का. तब इफ एंड ऑनली, दोनों कंडीशन इफ एंड ऑनली, जी एन जी इनवर्स इज इक्वल टू एन, ये आपको प्रूव करना है. बेटा जी क्या है ग्रुप, ग्रुप एन इसका क्या है सब ग्रुप. आप कह रहे हैं कि एन इसका नॉर्मल सब ग्रुप है, कब, अगर ये कंडीशन जी एन जी इनवर्स इक्वल टू एन. यू हैव टू प्रूव दिस, जी एन इनवर्स इज इक्वल टू एन. आपने कहा सर अगर हम मानेंगे जी एन जी इनवर्स इज इक्वल टू एन, तो इस केस में हमें दिखाना है कि एन इसका नॉर्मल है. मुझे बता जी एन जी इनवर्स किसके बराबर है, एन के बराबर है. इसका मतलब ये भी है ना, जी एन जी इनवर्स इज सबसेट ऑफ एन, बिकॉज एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इस तरह. अगर ए सेट इक्वल टू बी है, इसका मतलब है ए सबसेट है बी का, और बी सबसेट है ए का. तो यहाँ पर आपने ये कहा ना जी एन जी इनवर्स किसका सबसेट है, एन का. लेकिन जब जी एन जी इनवर्स सबसेट होता है एन का, तो इसका मतलब एन नॉर्मल है. ये भी आपने कहा, तो प्रूव हो गया ना, अगर ये इसके बराबर है तो एन इज नॉर्मल. अब कन्वर्सली आप कहेंगे जो एन है ना, एन नॉर्मल है इन जी, तो आपको क्या प्रूव करना है, जी एन जी इनवर्स इज इक्वल टू एन. तो आपने कहा अगर ये नॉर्मल है तो सर जी एन जी इनवर्स बिलोंग करेगा एन को बाई डेफिनेशन. या आपने कहा जिस एम्प्लॉय जी एन जी इनवर्स ये सबसेट होगा एन का, है ना, जी एन जी इनवर्स किसका सबसेट होगा एन का. आपने कहा सर अगर ये इसका सबसेट है जो जी है ना, जी एन में ये बिलोंग कर रहा है ग्रुप जी को, और जी इनवर्स भी किस में है जी में. आपने कहा अगर हम इसको प्री मल्टीपल करेंगे जी इनवर्स से, तो आपने कहा सर दिस एम्प्लॉयज जी इनवर्स इंटू जी एन जी इनवर्स इक्वल टू बेटा जी इनवर्स एन, है ना. yes, या आपने कहा ई ए इंटू एन आइडेंटिटी एन में, दिस इज एन जी इनवर्स इज सबसेट ऑफ जी इनवर्स एन. आपने कहा पोस्ट मल्टीपल करेंगे तो ये एन मिलेगा ना सबसेट जी एन जी इनवर्स का, है ना. yes, आपने देखिए यहाँ पर क्या कहा, जी एन जी इनवर्स सबसेट इसका है, यहाँ से ये है ना, ए सबसेट किसका बी का, बी सबसेट किसका ए का, तो बेटा ये तो इक्वल होगा. तो आपने कहा दिस इम्प्लाइज एन जी एन, आपने कहा जी एन जी इनवर्स इक्वल टू एन, यही प्रूव करना था. तो दिस इज हाउ वी कैन प्रूव दैट थ्योरम. ठीक है, ओके, आज के लिए इतना काफी है.